वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ एक छोटा ब्लॉग। यहाँ पर मेरा जो भी फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट है आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और उधर भी है। और यहाँ पर वेदर चेंज हुआ, ज़्यादा ही बारिश हुआ, इसलिए अच्छे से फूल मेरा नहीं आ रहा है। जो भी मेरा फ्लावर है इसका डे बाई डे इसका क्वालिटी भी ब्लूमिंग क्वालिटी भी अच्छा नहीं आ रहा है। इसलिए मैं आज संडे का दिन है तो मैंने सोचा कि मैं आज इस सारे फूल को रीअरेंज करूँगा और मैं अच्छे से ये सारे फूल को फिर से बनाने जा रही हूँ। और यहाँ पर मैं अपना गार्डनिंग को फिर एक बार अच्छे से जा रही हूँ। यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं मैं मॉल बना रही हूँ। अभी ये भी जो भी मेरा मेन्यूर है फ्लावर के लिए, इसलिए मैं रेडी करने जा रहा हूँ। जो भी मेरा फ्लावर का मेन्यू है इसे मैं रेडी करूँगा पहली बार तो, और फिर मैं बाद में सारे पॉट में मट्टी और मेन्यू वो डाल के रीअरेंज करूँगा। और फिर उसके बाद में जो भी सीट है और जो भी ये प्लांट है उसको मैं यहाँ पर डालूँगा। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आप सब लोग देख सकते हैं बिफोर अरेंजिंग माई फ्लावर्स इस कंडीशन के साथ ही, आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर देखिए इतना ज़्यादा बारिश हुआ सिक्किम में। इन दिनों इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अभी मार्च के सीजन में फुल रेनी सीजन जैसा मौसम आ गया है, और फिर देखिए सारा फ्लावर का हालत इतना बुरा हुआ है। और मैं रीअरेंज करने जा रही हूँ यहाँ पर, आप सब लोग देख सकते हैं मेरा जो भी फ्लावर पॉट है यहाँ पर। और मैंने ये न्यू कराया ये यहाँ पर मेरा न्यू फ्लावर है जो ये पॉट है यहाँ पर है, फ्लावर का पॉट न्यू है। और मैंने ये रोज़ को यहाँ पर लगाया था पहले, थोड़ा ही अच्छे से नहीं आ रहा है, ये भी पता नहीं क्या हो गया है। यहाँ पर है मेरा जो भी फ्लावरिंग फ्लावर्स है, सीजनल फ्लावर्स है, और कुछ है यहाँ पर। मैं आज सकुलेंट और इन दोनों डिफरेंट सेट में रखने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर फ्लावर का नॉन फ्लावर प्लांट ज्यादा हो गया, फिर इसमें मिक्सिंग से वैसे जब मैं वाटर यहाँ पर हम लोग डालते हैं तो भूलकर इससे भी ज़्यादा ही वाटर डालते हैं, इसलिए ये भी अच्छे से नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आज सारे फ्लावर को रीअरेंज करके मैं अपने गार्डन को फिर एक बार अच्छे सुंदर दिख बनाना चाहता हूँ। इसलिए यहाँ पर मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है। आप सब लोग अंत तक ये व्लॉग को जरूर देखिए, और आप लोग कमेंट्स करिए कि कैसा लगा आपको ये व्लॉग देख के। मौसम भी अच्छा है इसलिए मैं अब काम करने जा रही हूँ। सी यू गाइस। छोटे 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 जल्दी जल्दी करो भाई। सो गाइस फाइनली मैंने काम ख़त्म कर लिया है। यहाँ पर आप लोग सब लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रख दिया इस फ्लावर को अरेंज करके इस फ्लावर्स को, और मैं दूसरे ठाउँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ आप सब लोग को। सो दिस इज़ हाउ आई अरेंज माई फ्लावर्स आफ्टर एन आवर्स। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सकुलेंट को यहाँ पर रख दिया है ऊपर, और जो भी सीजन फ्लावर होता है इन सीजन फ्लावर को मैंने नीचे स्टेप पे रख दिया है, नीचे का स्टैंड पे। ये जो ये एलोवेरा है वो ज़्यादा हो रहा था इसलिए मैंने इसको दूसरे पॉट में भी डाल दिया है। और ये यहाँ पर मेरा मैंने पॉट में भी मट्टी भर के रख दिया, क्योंकि मैं जब भी फ्लावर का जो भी बीज होता है वो लेकर आऊँगा बाजार से तो मैं इसे यहाँ पर डालने के लिए इजी होता है ऐसे करने से। सो गाइस दिस इज़ हाउ आई अरेंज माय फ्लावर्स एंड लुक आई विल शो यू अनदर फ्लावर स्टैंड। सो मैंने यहाँ पर भी अरेंज करके रख दिया है ये फ्लावर्स का, देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे से दिख रहा है ऐसा ही। ऊपर मेरे टेरेस पर बैठे फूल पर वो अच्छे से नहीं दिख रहा है, मैं आप लोग को बाद में वहाँ का फ्लावर भी दिखाऊंगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मैंने यहाँ पर नीचे पर जो भी न्यू सन फ्लावर है उसे मैंने डाल दिया है, यहाँ पर अच्छे से नहीं दिख रहा है, मैं बाद में आप सब लोग को दिखाऊंगा कैसा होगा।
अच्छा आएगा या नहीं आएगा ये बात देखूंगा। सो मैंने आज के आज का सारा काम ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर मैंने आज सारा फ्लावर को भी रीअरेंज कर दिया है मैंने, क्योंकि मेरा जो भी यहाँ पर घर पे लोकल मुर्गी आता है उसकी वजह से ज़्यादा होता है मेरा फ्लावर अच्छे नहीं हो पाता है, क्योंकि ये सारा मुर्गी इतना ज़्यादा जितनी भी मैं इसे हटाने की कोशिश करूँ फिर भी ज़्यादा आता है। इसलिए फूल का जो भी ये पत्ता है ऐसा पत्ता फ्लावर ये सब खाता है वो आके, इसलिए मेरा फूल अच्छा नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने आज सबको रीअरेंज करके रख दिया है। सो सी यू गाइस।